एक खास मेहमान से हम बात कर रहे हैं अर्निंग्स रिलेटेड, लेकिन न्यूज़ में भी काफ़ी रह चुकी हैं और वो बाजार का पसंदीदा स्टॉक है। डेल्टा कॉर्प की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट हार्दिक देवर जुड़ रहे हैं आज बात करने के लिए। हार्दिक, बहुत बहुत शुक्रिया ईटीन ऑफ स्वदेश पे आने के लिए। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है तो अच्छा लग रहा है। हार्दिक, सबसे पहले बिजनेस मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। हमने देखा आपके क्वार्टरली रिजल्ट में करीब 20% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है। अलग अलग सेगमेंट्स में किस तरह का बिजनेस मोमेंटम चल रहा है? अभी मैं हाल ही में गोवा होके आया था और आपके सारी फैसिलिटीज में तो पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। धन्यवाद अजय, आपने हमें निमंत्रित किया आपके चैनल के माध्यम से आपसे बात करने के लिए। हाँ, काफी काफी समय हो गया आपसे मुलाकात की हुए, तो अच्छा लग रहा है आपको देख के और आपसे बात करके। जहां तक बिजनेस का सवाल है अजय, जैसे आपने कहा, गोवा एज अ डेस्टिनेशन काफी प्रचलित हो चुका है, काफी पॉपुलर हो चुका है और हर किसी को आप पूछे तो वो गोवा जा रहा है या गोवा हॉलिडे के लिए जा रहा है या कुछ ना कुछ ऐसे सुनने में आता है। तो इस वजह से ये जो सारा विजिटेशन है हमारा वो काफी स्ट्रांग रहा है। पिछला साल जो हमारे लिए था वो बहुत ही बेहतरीन साल रहा हमारे लिए, जैसे आपने नतीजे देखे होंगे, सालाना नतीजे। और ये वो जो दौर है वो ये पहली तिमाही में भी आपको नजर आ रहा है। और मैं काफी खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि ये जो जुलाई का महीना है उसका जो रुझान है वो भी यही दर्शाता है कि दूसरी तिमाही जो है वो पहली तिमाही के मुकाबले बेहतर हो सकती है। तो कैसीनो का जो ऑफलाइन गेमिंग का जो हमारा बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग और रोबस्ट है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। हाँ, हालांकि अभी काफी कुछ माहौल बना हुआ है ये जीएसटी को लेके, लेकिन मेरा ये बहुत ही दृढ़ता से मानना है कि ये सारा जो है वो कहीं ना कहीं राज्यों के माध्यम से जहां पर ये कैसीनो गेमिंग इंडस्ट्री मौजूद है, क्योंकि कैसीनो से जो कंट्रीब्यूशन जाता है राज्य के राजस्व में वो काफी मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने भी एक रिप्रेजेंटेशन किया है काउंसिल को और वित्त मंत्रालय को, और हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं बातचीत करने का, राजस्व सचिव से मिलना या वित्त मंत्री को लिखना, वो सब काम जारी है। तो हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से ये सारा हो रहा था या हो रहा है, और इंडिया में भी जिस तरह से जीएसटी लागू हो रहा था 2017 से पहले सर्विस टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स का जो दौर था, और 2017 से जब तक ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तब तक तो सारा बहुत ही क्लियर है हमारे हिसाब से कि ये इसका जो अल्टीमेट आउटकम जिसको नतीजा बोला जा सकता है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही आने वाला है। हमें भी यही उम्मीद है कि एक विन विन सिचुएशन इंडस्ट्री को भी और गवर्नमेंट के बीच में निकाल ली जाए ताकि इंडस्ट्री के ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ ना आए, कि इंडस्ट्री टेक ऑफ ही ना कर पाए, जो फीडबैक हमें मिल रहा था। हार्दिक, आपके ऑनलाइन गेमिंग डिवीजन का क्या हाल है? अभी बाजार उस पर बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था आपका, उधर आईपीओ के भी कुछ प्लान्स बन रहे थे, उसके बारे में कुछ बताएं। अजय, जैसे आपने कहा विन विन सिचुएशन वाली जो बात कर रहे हैं वो मेरा नहीं बल्कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी का और सारे देश का ये मानना है कि सरकार की नीतियां जो है वो उद्योग को बढ़ावा देने की तरफ है, उद्योग को सपोर्ट करने की तरफ है। और माननीय वित्त मंत्री ने भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि सरकार का ये आशय कतई नहीं है कि किसी व्यवसाय को या किसी उद्योग को हानि पहुंचे या वो बंद हो जाए। तो अगर ये सारी चीजों को मद्देनजर रखें तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है और मुझे लग रहा है कि ये सोल्यूशन तो आ जाएगा। रही ऑनलाइन गेमिंग की बात, तो मैं एक ही छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे मैंने पहले भी कुछ एक फोरम्स में ये उदाहरण दिया है और मेरा ये बहुत ही दृढ़ता से मानना है कि किसी यदि हम एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे किसी ब्रोकर कम्युनिटी से आप कंपेयर कर लीजिए, ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहा हूं, तो ब्रोकर के वहां जब कोई कस्टमर आता है और वो किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, चाहे वो 1,000 रुपए के खरीदे या 10,000 के खरीदे या 10 लाख के खरीदे या 10 करोड़ के खरीदे, ब्रोकर का टर्नओवर तो केवल वही होता है जो वो ब्रोकरेज चार्ज करता है, ना कि 10 करोड़ के शेयर खरीदे गए वो उसका टर्नओवर होता है।
या वो उसकी आय होती है। तो इसी इसी प्रिंसिपल ये जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो तो केवल एक जरिया है जहां पे लोग आके अपना स्किल दिखाते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज कोई अच्छा शेयर पिक करता है कोई बुरा शेयर पिक हो जाता है गलती से, तो उसी तरह से यहां पर भी लोग अपना स्किल दिखाते हैं, सब अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं और जो प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक द ब्रोकरेज हाउसेस वो एक ब्रोकरेज फी या कमीशन चार्ज करता है। तो जो प्लेटफॉर्म की आय है वो केवल और केवल वो कमीशन है, तो जीएसटी तो उसी पे लग सकता है जो मेरी आय है और जो सर्विस प्रोविजन के सामने मुझे कंसिडरेशन मिला। तो ये मेरा मानना है कि इस पे भी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। काफी कुछ लोगों ने चाहे वो गेमिंग कंपनियां हो चाहे वो इन्वेस्टर कम्युनिटी हो, पहली बार मैंने ये देखा कि इन्वेस्टर कम्युनिटी ने भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है इंडस्ट्री को, तो सबों ने मिलके ये रिप्रेजेंटेशन दिया है राजस्व सचिव को वित्त मंत्रालय को। और मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने आगे भी कहा कि वित्त मंत्री का जो स्टेटमेंट था वो हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव ही निकल आएगा इसमें। ऑल राइट हार्दिक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और ये सारी चीजें ठीक से समझाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आपकी इतनी यूनिक कंपनी है और यूनिक स्टॉक है और पसंदीदा है कि जिस दिन वो न्यूज़ आई थी और जो नीजक रिएक्शन आया था बाजार में, उस डिक्लाइन के बाद वापस से लोगों ने उस मौका देखा, इनफैक्ट उसको भी एक मौके की तरह देखा और स्टॉक आज भी अच्छा कर रहा है और अब अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक, आपसे अगले क्वार्टर वापस से मुलाकात होगी। आज बात करने के लिए धन्यवाद। रिकवर तो कर रहा है लेकिन जो उम्मीद करके चल रहे हैं हार्दिक ढेबर जी शायद वो होगा नहीं, क्योंकि परसों ही प्रकाश एक खबर लेकर आए थे, एक्सक्लूसिव खबर थी कि फिनमैन इसको बिल्कुल रिव्यू करने के मूड में नहीं, 28% को इम्प्लीमेंटेशन के तरीकों पर विचार कर सकता है शायद, बट इसको रिव्यू नहीं करेगा। तो अच्छा, एक और बात ये आएगी कि हमें देखना पड़ेगा कि ये पास ऑन होता है या कितना इम्पैक्ट आता है उनके फाइनेंशियल्स के ऊपर। करेक्ट, ये मुझे लग रहा है कि चंद्रशेखर जी ने तो कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया है ना कि शायद इसको रिव्यू करिए, उसके बाद की खबर बता रहे हैं। जी जी, खबर है ये, परसों की खबर है ये, देखते हैं। स्टॉक मार्केट ने तो रिकवर कर लिया है, स्टॉक मार्केट उसने नीजक रिएक्शन को रिव्यू कर लिया है। अब एक्चुअली डिसीजन रिव्यू होता है नहीं, आगे देखा जाएगा और बाजार कैसे रिएक्ट करेगा इम्पैक्ट पे। नंबर्स वैसे ठीक ठाक है, थोड़ा 20% प्रॉफिट ग्रोथ है, थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर है, 35% मार्जिन कितने धंधों में होता ही है, 35% मार्जिन। लेकिन एनीवेज बाकी आंकड़े ठीक है, एक सर एक व्यू ले लेते हैं। गौरांग हमारे साथ हैं। गौरांग, आप डेल्टा कॉर्प को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यहां से भी शेयर में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि 200 रुपए के ऊपर का शेयर था, वहां से गिरा, 175 के आसपास गया, वहां से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर आया और नतीजे जो आए हैं वो ठीक ठाक ही हैं। आपने मैनेजमेंट को भी सुना, आपका क्या व्यू बन रहा शेयर पर? अब देखिए, विशेष टिप्पणी नहीं कर पाएंगे लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ, अभी जब अजय और मैनेजमेंट के साथ बातचीत हो रही थी और 35% मार्जिन अगर इनका है, जाहिर है जिस प्रकार की व्यवस्था है और जिस प्रकार के नए एसेट्स ये खोलने की बात कर रहे हैं आने वाले समय में, तो कारोबार तो अच्छा करेगा। ठीक है, कुछ दिक्कत या अटकलों को लेकर के या फिर सरकार के तरफ से जो नीतियां हैं, जहां तक कर का सवाल है यानी कि टैक्स स्ट्रक्चर का सवाल है, उसको लेकर के जैसे आप भी बात कर रहे थे, जो रिएक्शन आना था वो तो आ चुका है। कंपनी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है इस क्षेत्र में और इनके मुकाबला करने के लिए लिस्टेड एंटिटीज में से ऐसा कोई नाम मेरे सामने तो नहीं आ रहा है जिसकी मैं तुलना कर सकूं। कंपनी अच्छी है, नई प्रॉपर्टीज खुल रही है और अगर इसी प्रकार से इनकी आंकड़े तिमाही नतीजे के या साल दस साल के रहे तो जाहिर है बैलेंस शीट बहुत मजबूत हो सकती है, लेकिन कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। ओके, ठीक है, तो यह है व्यू डेल्टा कॉर्प पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।